बट शेड्यूल मेरा एक्सप्रेशन था बड़े महंगे पड़े थे वापस रन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड भाई इतने दिनों बाद आज मैं सुबह खेला, बट मैंने कसम खा रखी थी कि मैं पापा के ना टीम में होऊंगा ना पापा के अगेंस्ट। आज इतने सारे लोग थे ना, तो पापा और मैं एक टीम में हो भी नहीं पाए और अगेंस्ट खेल भी नहीं पाए, तो इतना मजा नहीं आया। सही, पर वो बदले की भावना ना रहेगी, क्योंकि भाई मैं जब भी सुबह आना हार के गया इस बार नहीं हारूंगा। एंड मेरे हाथ ने बहुत अच्छा खेला गाइस, मेरे दुख के लिए एक लाइक कर दो, बेल नोटिफिकेशन कर सब्सक्राइब कर लेना। आज मैंने अच्छा खेला है बिकॉज मैं मूड में था, बट उसके बाद फिर काम को इन स्पाइट ऑफ योर स्टिफ नेक मुझे लग रहा था कि तू भाई गर्दन में ना मोच सी आ गई है, तो मेरी गर्दन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं जा रही और ऐसे नहीं जा रही, तो इसलिए थोड़ा बुरा हाल है, बट सह ले। बाप बेटे की जब इतनी क्रेजी क्या नजर लगी है मुझे, सुबह सुबह नजर लगी है पराठे, वो बेचारे एक्सरसाइज करके आए, उनको उपमा खान दो पराठे क्यों खिला रहे हो? नहीं, तुम्हारी नजर लगी है। हाँ, उनका पेट निकलता जा रहा है। बात करो, उंगली तोड़ दो। मैं कह रहा हूँ पापा की, पता क्या नजर लगी है? हाँ। आप पराठे खिलाते हो, उनको नजर लग जाती है, उनका पेट निकल आता है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये मम्मी की नजर लगी है। हाँ, पापा का पेट इसलिए निकल, पापा की सिक्स पैक इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मम्मी को नजर लगी हुई। पराठे खाता था मम्मी अपना वेट मेंटेन करने के लिए, शिष्ट पोहा एंड ऑल, जिससे आप पोहा खा लगा ना आप खाओ, ठीक है? अब उल्टा हो गया कि मुझे पोहा खाना पड़ रहा है। क्या बात हो गई बताओ। वैसे आप कहते हो पराठा पेट पे नहीं लगता, उनका पेट पे कैसे लगी जा रहा है? पतला हो रहा था ना, मैंने एक महीने में अच्छे अच्छे रिजल्ट देख लिए, बट देन मुझे लगा अगले दिन फोटो खिंचाऊंगा, फिर अगले दिन मैं सुबह पराठा खा लिया, फिर अगले दिन खिंचाऊंगा, फिर अगले दिन सुबह पराठा खा लिया, तो भाई ऐसे कर करके ना ये वापस पराठा निकलता जा रहा है, कुछ तो करना पड़े। दया पता लगा, ये ना बहुत सारे कलर आए हुए हैं। ये कब आए? क्यों आपके यूज करने हैं? हाँ यार, मैं तो वेट कर रहा था, मैं जवान लगना चाहता हूँ। डेडी हेयर कलर है, बाल उगाने की चीज नहीं है। बाल उगाएगी और इतने लंबे बाल तो डेफिनेटली नहीं आएंगे इस पे लगे हुए हैं। मम्मी ये काम आ जाएंगे। ये है डार्क ब्राउन। मम्मी इसमें कलर क्या लिखा? भाई अलग अलग कलर आए हैं, मुझे पता नहीं था। नेचुरल ब्राउन। पापा आप कौन सा लगाओगे? नेचुरल ब्लैक। नेचुरल ब्लैक भी है। डेडी ये है गोल्डन ब्राउन कलर। हाँ पापा ये करा दो। गाइस कमेंट करो, कर्नल साहब को हम ये वाला कलर करा के देंगे। तेरी कल ना मैं वीडियो देख रहा था, वो कौन सी वो वाली जो तूने बाल वाली वीडियो पे अगर 1000 लाइक्स भी आ गए तब भी हम पापा ये कलर करा देंगे। ऐसा है, मैंने तो कलर करवाना ही है। I have to go to Thailand. पैसे ही नहीं बचेंगे सारे लूट, पूरे कमरे में जलने की बू आ रही है। कर्नल साहब हमने व्लॉग लाइव करा है एंड क्या रिस्पॉन्स है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस। एंड पता है छोटा सा एक मीटअप करना था जो आज हो रहा है गुड़गांव में, मैंने इसके बारे में बताया नहीं, तो जब तक आप ब्लॉग देख रहे हो मीटअप हो गया होगा, क्योंकि अभी तक परमिशंस नहीं मिली है। साइबर अब में एक इवेंट हो रहा है, तो हमने कहा एक छोटा सा मीटअप भी कर लेंगे अपने लोगों के लिए, बट देन वो जब तक पता चलेगा शाम हो जाएगी, एंड शाम को 6:30 बजे ही मुझे जाना है। देखते हैं इंस्टाग्राम पे डालेंगे, इसलिए मैं कहता इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेगा, वहां ज्यादा जल्दी अपडेट आती है, और ये बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तो ये सब चीजें ना जरूरी होती है। तो आज अगर मीटअप हुआ छोटी सी एक झलक आप लोगों को दिखा देंगे, बट देन खुशी होगी क्योंकि पहली बार ऐसे मैं मीटअप करो, एक दो घंटे पहले बताऊँ तो मुझे लगता नहीं है लोग आएंगे, बट देन अगर जो भी आया दिल से प्यार है और दिल से खुशी हो। भैया मत बोलियो, भाई बोलिए तो भाई। विक्रम भाई आ चुके हैं यार। भैया आप बड़े हो ना, कितना बड़ा हो? बहुत बड़े हो, बहुत बड़ा। भाई अभी हम थोड़ी चाय चुय पी के अब हम निकल रहे हैं। अब हम क्यों निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? दो चीज़ें हो सकती है, एक तो गाड़ी का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर आप लोगों से पूछ रहा था, स्कॉर्पियो में हमें नंबर अच्छा चढ़वाना चाहिए और कौन सा चढ़वाना चाहिए, कमेंट करके बता देना, या तो 0808 या 0808, क्योंकि 0808 मेरे दिल के बहुत पास है, क्योंकि मेरी मर्सिडीज पे लगा हुआ है। सिंगल नंबर अगर जनता बोलेगी तो हम उसका भी देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है टायर। भाई 4x4 ली है, असली 4x4 ली है। पिछली बार एक्सयूवी के टाइम काफी लोग बोले थे भैया क्या आप इसको 4x4 बोलते हो, असली 4x4 ली है, जिसमें प्रॉपर एक मॉडिफिकेशन हो सकती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना करा है, तो इसलिए हम उसके लिए भी आज जा रहे हैं। भाई व्लॉगिंग में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, हम चाबी लाना भूल जाते हैं। हम नीचे पहुंचे हम वापस ऊपर जा रहे हैं गाड़ी की चाबी लेने, गाड़ी की चाबी ही नहीं लेके आए। तो भाई गाड़ी का फर्स्ट फुल टैंक होने वाला है, तो एक ड्रॉबैक अगर मैं बात करूँ गाड़ी का,
कि इसका टैंक कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, बट भाई इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें हम ऊपर ऐसी मॉडिफिकेशन कराने वाले, ऐसी रेल्स वगैरह लगाने वाले, तुमसे बता रहा हूँ गैंगस्टर स्कॉर्पियो बना देंगे इसको। अभी टायर का एक काम हो जाए, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा साइज लगाऊं कि भाई फुल फील ही अलग आए स्कॉर्पियो की। 265 या 275 थोड़ा देखना है कि क्या एवरेज देगी क्या देगा। तो एक तो ट्रिप मीटर एक कर लेते हैं रीसेट, इसका फ्यूल मीटर है एवरेज के लिए उसको भी कर लेते हैं रीसेट, तो अब पता चल जाएगा। बिकॉज ये जो रोड ट्रिप है ये मिक्स ऑफ सिटी ड्राइविंग है एंड हाईवे है, जो हमारे रोज का कुछ ऐसा ही होने वाला है। फिर हम अपनी स्कॉर्पियो का छोटा छोटा रिव्यू शुरू कर देंगे, डिटेल रिव्यू करेंगे, बस एक बार थोड़ा सा हम यूज्ड हो जाए गाड़ी। गाड़ी चलाते हुए एक घंटा हो चुका है हमें, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा था। कैसा एक्सपीरियंस? महिंद्रा फोन करूंगा क्योंकि मैंने सुना इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है भाई, वैसे भी फर्स्ट लॉट की गाड़ी है, नई टेक्नोलॉजी है, नया सेटअप है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आनी है, मैनुअल में बहुत प्रॉब्लम आएंगी। बिकॉज मुझे पता है मैनुअल में क्लच प्लेट की काफी इश्यूज है महिंद्रा में, बट देन ओवरऑल भाई इसीलिए हमने ऑटोमेटिक लिया है एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। एवरेज गाड़ी अभी तक दे रही है 8.7, तो मोस्टली राउंड ट्रिप में पता चलेगा कितनी। अभी भैया कह रहे हाईवे भी आएगा, अभी हमने पूरी सिटी चलाई है तो सिटी में 8.7 चल रही है एंड मैं भगा भी रहा हूँ, धीरे भी चला रहा हूँ। भाई की ड्राइविंग आप लोगों को पता ही है 10 में से 10। भाई हम रोहतक तो पहुंच गए, बट कोई कह रहा आपकी नंबर, ओहो नंबर प्लेट गिरने वाली थी तो किसने हमें पीछे से बोल दिया। इसके अंदर नट नहीं होगा ना, निकाल ले। अभी विक्रम भाई चलाएंगे गाड़ी, उनका भी एक्सपीरियंस सुनते हैं। बिकॉज मुझे जो वाइब्रेशन आ रही है ना, मुझे टायर चेंज कराने से पहले कंफर्म करना है ताकि मैं महिंद्रा को फोन करके बोल सकूंगी भैया ये थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू। गाइस एवरेज भी बहुत ही क्रेजी है, 12 की एवरेज दे रही है, व्हिच इज आई थिंक वेरी गुड। मैंने फॉर्च्यूनर वगैरह की देखी है 10-10.5 की एवरेज, हमें 12 मिल रही है। और जैसे मैं चलाता हूँ भारी पैर भी चला रहा हूँ, एवरेज स्पीड भी चला रहा हूँ, एक नंबर। अर्जुन भाई राम राम अर्जुन। तो जिस चीज के लिए इतना दूर आए थे वो आ चुके हमारे सामने। ये दो टायर्स है जो मुझे बहुत पसंद है, एप्टर 82, इसलिए क्योंकि विक्रम भैया ने सजेस्ट करा, हमने प्रमोट भी करा, हमें पता है कि काफी अच्छा लगता है एंड मुझे पर्सनली एप्टर का ये पसंद है, जिसका थ्रेड डिजाइन है काफी ज्यादा सही लगता है, मतलब एकदम ना बैड एस वाली लुक आती है। मैं तो भैया को बोल रहा हूँ 265 का 275 या 285 करा दो, बट वो फिट शायद ना है और क्वालिटी राइड क्वालिटी खराब हो सकती है थोड़ी सी, एंड वैसे भी गाड़ी में स्टॉक 255 आता है तो हम अपग्रेड तो कर ही रहे हैं। दूसरा है जियो लैंडर, जिसकी क्वालिटी मेरे हिसाब से अपोलो से ज़्यादा बेटर है, एक्सपेंसिव है अपोलो से ज़्यादा, ज़्यादा फर्क नहीं है, बट जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही वो ये है इसका थ्रेड डिज़ाइन, ये ना नॉर्मल एसयूवी वाला लग रहा है। तो अगर हम एसयूवी चला रहे हैं और हम तगड़ी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ट्रेड भी थोड़ा तगड़ा दिखना चाहिए। इसके ट्रेड जो डिज़ाइन है ना भाई वो ऑफ रोड फील आ रही है भाई, तो अभी देखते हैं फिटिंग करवाते हैं, अगर फिट आ गए तो पार्टी। बिकॉज एक्सयूवी के टाइम मुझे बस प्रॉब्लम यही हुई थी कि कोई टायर में अपग्रेड नहीं करा पाया था, इसमें सारी हम डिमांडें अपनी पूरी करेंगे। टायर का काम तो पूरा शुरू हो चुका है, अब यहाँ पे पार्टी चल रही है। भैया मैं डाइट कर रहा हूँ, ये क्या पिज्जा वगैरह मंगा? अच्छा डाइटिंग भाई करण ना नया नया अभी चैनल ना स्टार्ट करने वाला, फूड चैनल, क्योंकि भाई करण जितना फूडी है ना उतना कोई नहीं है भाई। यार मैं थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता बट यहाँ मैं पिघल गया। खुशी है भाई, खुशी में खाना बनता है। हमने अलॉयज की फिटिंग करवा ली, अब आप लोगों के ऊपर है, कमेंट करके बताना कौन सा अच्छा लग रहा है। तो एक अपना ये है वो वाला बिला, ये है अपना नया और ये है पुराना, तो डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कौन सा सही लग रहा है। मुझे तो पता है जो मेरी चॉइस होगी वही मेरी केएसआर में ही चॉइस होगी एंड वो हम लगवा रहे हैं। सारी लुक एंड फील भाई एक ही टायर की आ रही है, एकदम बिग मॉन्स्टर वाली फीलिंग आ रही है। अभी ये टायर छोटा लग रहा होगा भाई, ये टायर बिल्कुल भी छोटा नहीं है, ये गाड़ी बड़ी है। जैसे ही नीचे होगा तो आपको फर्क पता चल जाएगा कि कैसी लुक आ रही है। टायर तो महिंद्रा ने दिया था ना, हमने उसे एडवांस किया, उसको बढ़ाया है भाई। हमें बड़ी बड़ी चीजें पसंद। एक बार टायर घुमा के देख रहे हैं, घुमाना भैया। हाँ बिल्कुल नहीं लग रहा कहीं पे ना। इतने इंतजार के बाद हमारी गाड़ी हो चुकी है रेडी एंड कसम से बता रहा हूँ जो लुक आ रही है ना, ये देखो यार, मतलब एकदम
और मैं सच्ची बता रहा हूँ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी इंक्रीज हो गई है साथ के साथ, एंड साथ के साथ भाई फिर भी गाड़ी इतनी बड़ी है उसके साथ टायर भी छोटा लग रहा है अभी भी, बट देन कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लग रहा है, बिकॉज मुझे तो भाई प्यार होता जा रहा है। मैं इनको यही बता रहा हूँ मैं एक्सयूवी के टाइम मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई जितनी मुझे इस गाड़ी में हो रही है। इसमें एक्चुअली जगह भी है ना भाई, टायर बड़ा डल भाई, इसको पूरा मॉन्स्टर ट्रक बना देंगे। गाड़ी का सारा काम हो चुका है, थैंक यू अर्जुन भैया। तो भाई रोहतक आना अपना सफल हो गया एंड गाड़ी फुल रेडी हो चुकी है, अब बस टेस्टिंग करनी है, बिकॉज काफ़ी लोग बोले थे कि भैया ऑल्टर इन टायर मत डलवाओ, आवाज़ आएगी। तो अभी आपको वो भी एक्सपीरियंस शेयर कर लेंगे, बिकॉज एक्सयूवी में अगर आप बोलते हैं मैं मान लेता, इसकी इंसुलेशन एक्सयूवी से मच बेटर। तो भैया विक्रम भैया नहीं मानते, कहते हमारे शहर आए हो, हमारे यहाँ की सारी चीजें ट्राई करो, समोसे गुलाब जामुन खाने हैं, अंकल आंटी को खिलाना है, बताना भाई कैसे लगे। मैंने भैया को बोला भैया मैं डाइट पे हूँ, कहते कोई ना तू मत खा, घर वालों के लिए ले जा, तो स्पेशली हमने पैक कराए हैं गुलाब जामुन और समोसे। गुलाब जामुन और समोसे, गुलाब जामुन। ये विक्रम भैया ना बेकार, मैं बता रहा हूँ आपके साथ रहना, आपने मेरी डाइट पूरी खराब कर देनी है। दे दे के वैसे दिल चाह रहे तो घर जाके हम भी खा लेंगे थोड़े। 103 किलोमीटर हम चला चुके हैं, नए टायर पे मैं अप्रॉक्सिमेटली 20-30 किलोमीटर चला चुका हूँ, क्या एक्सपीरियंस है, गाड़ी इतनी ज्यादा स्टेबल हो गई है, एवरेज ज्यादा गिरी नहीं, अभी भी गाड़ी 11 की एवरेज दिखा रही है, आई थिंक इज वेरी गुड। बट वही है कि मुझे एक्सयूवी वर्सेस एक स्कॉर्पियो बनाना बनता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो आपको देखना, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है दोनों में बहुत क्लोज कॉम्पिटिशन है, दोनों ही सेगमेंट में बेस्ट गाड़ियां हैं, एंड आप लोगों के माइंड में भी काफी क्वेश्चन होंगे, और सिंस मैं इतनी चला चुका हूँ दोनों गाड़ियां और ये भी चला लूंगा अपनी ट्रिप के बाद, तो रिव्यू तो भाई बनता ही बनता है। भैया निकल रहे हैं, हमारा इतना इम्पोर्टेंट काम भैया ने यूं करा दिया, मैंने पापा को बोला कहाँ पे, पापा कह रहे हैं बस पहुंचने वाला, तो करण साहब को दिखाते हैं नए टायर्स, उनके कमेंट्स जानते हैं, फिर अपने मीटअप के लिए निकले हैं। या पापा को नए टायर दिखाने का टाइम आ गया है। हाँ जी कैसे लग रहे हैं? इसमें क्या खासियत है? बड़े अच्छे, वो बड़ी है, ट्रेड्स बड़े अच्छे हैं, यही तो है ऑफ रोड टायर है ना, तो मैं पापा को पूरा ट्रेड समझा रहा था, तो भाई इसमें पूरा आप ऑफ रोड कर सकते हो, इसको पहाड़ से कुदा सकते हो नीचे, कहीं भी ले जा सकते हो, मतलब पहले तो कुदाने को मिला, ऑफिस से आके गाड़ी में लड़ा नहीं आप लोगों ने, पहले जब मैं आ रहा हूँ आजकल में लड़ाई लड़ाई झगड़ा हो गया, स्मूथ चलेगा, पर बताओ कैसे लग रहे टायर? बड़े सुंदर लग रहे हैं, मम्मी से बेटर बट एक चीज है पापा, मैंने मैंने पहेली सुलझा ली है, तो पापा ने मुझे बोला है काम कि तू उसका स्टेपनी टायर का पता कर, क्योंकि एक्सयूवी में काफी दिक्कत आई है हमें, तो इसकी बड़ा आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। अरे मुझे तो बता दे, आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे, गाड़ी के लिए 5 ब्लॉग डालते, टायर के लिए 6 डालोगे भाई, टायर नंबर भी आना है 0001। मन करा चलाने का, कहाँ जा रहे हो? मम्मी 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 चाबी हमारे पास है, इसलिए तो मैं जा रहा हूँ, चाबी चाबी के बिना कहाँ जा रहे हो? चाबी तो मेरे पास है, ऑटो नहीं है वो, क्या कहाँ जा रहे हो? मैंने निकलना है अभी, साइबर अब जाना है, चलिए मैं तो जा रही हूँ, बाय। पापा का ना मन नहीं कर रहा है भाई, कसम से मेरा भी एसयूवी चलाने का इतना मन नहीं कर रहा जितना पापा का स्कॉर्पियो चलाने का मन कर रहा है, फुल एसयूवी फील आ रहा है। मम्मी पूछे ये क्या है? जलेबी। तो एक इसमें है गुलाब जामुन और समोसे, कहाँ के? रोहतक के स्पेशल। तो तू हर बार हर रोज चेंज चला जाएगा टायर चेंज कराने? ये लो गाड़ी का बिल, टायर का बिल, बिल दो तब समझे यार, ऐसा है अब ना, अब बिल का मेरी उम्र, अब पैसे खर्च करने की है, तेरी उम्र कमाने की है। अरे जलेबी नहीं थी बस, अगली बार अब रोहतक जाना पड़ेगा, तेरे को पता है मेरे को जलेबी अच्छी लगती है, देखा एक्सप्रेशन गाइस, बड़े महंगे पड़े थे वापस रख। Where is your pocket? Yes, give me the samosas. भाई अपना समोसा पार्टी तो हो गई है, दो दो समोसे सारे खा गए, पापा ने भी दो समोसे खा लिए, बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत टेस्टी था रियली यार, अभी नींद भर गई। चटनी फर्स्ट टाइम देखी है। अच्छा हाँ, चटनी वाज वेरी नाइस, मीठा और भाई तीखा मिक्स, पर देन अभी हम निकल रहे हैं, चलो मैं इनको बोला मीटअप पे चलो, चल ही नहीं रहे, एक घंटा पहले कौन सा मीटअप, आई हैव अ शेड्यूल, यू हैव टू टेल मी इन एडवांस, तरीके से मीटअप करें, करेक्ट गाइस, तरीके से मीटअप करेंगे, अभी बस एक छोटा मोटा एक डेढ़ घंटा अपने गुड़गांव वालों से मिलते हैं, ढंग से मीटअप प्रॉपरली एक हफ्ता 10 दिन पहले एडवांस प्लानिंग में होके करेंगे, चलो यार ऐसे ही चल लो, सारे आ जाएंगे देखने। जब घर से निकला था मैं सोच के आया था कि मैं व्लॉग नहीं करूंगा क्योंकि लोग ही नहीं होंगे, बट अपनी जनता आ गई है भाई, कुछ लोग तो फोटो खिंचा के चले गए, ये लग रहा था दूर दूर से ना आए हो, बट ठीक है सारे आस पास के, ये दूर से आया है ना, पालम से, मेरे घर से 15 मिनट दूर है, कहाँ से? वो भी पास है भाई, ये पहली बार हो रहा है, 150 वाट भी चली है इसकी, ओ भाई है
सो भाई काफ़ी लोग मिलने आए हैं, इनफैक्ट स्टोरी से ज़्यादा मुझे वैसे ही लोग मिलने आए हैं, तो मैं अगर थोड़ा पहले डालता तो भाई क्रेजी मीटअप हो जाता, बट देन बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, इमोशनल। हमने अक्षय कुमार की कठपुतली मूवी चल रही है, ये मूवी मुझे लगा था कि अच्छी होगी, OTT पे लॉन्च हुई है, कुछ डिफरेंट होगा, शुरू का सस्पेंस काफी अच्छा था, एंड में आते आते इतनी गंदी बना दी। सही कह रहा नहीं कह रहा? नहीं अच्छी थी पिक्चर, एंड में आके, अभी तो एंड अभी चल रहा है ना, मम्मी अभी भी लगी, मैंने इनको सस्पेंस बता दिया, मम्मी को अभी भी लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो अपना नया सस्पेंस बनाई जा रही है कि इंस्पेक्टर है, कोई इंस्पेक्टर नहीं है। बट देन हम करेंगे आज का व्लॉग एंड, भाई बहुत अच्छा लगा मीटअप, और काफी ज्यादा सही था, काफी लोग बोल रहे थे करण साहब क्यों नहीं आया, देन उससे पहले हम करेंगे आज का व्लॉग एंड। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, फिर डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, उससे आप लोग पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग लाइफ। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।